इंडियन न्यूज 24 आवर। पीटीआई अपडेटेड जनवरी 10, 2018 0328 पीएम आईएसडी नई दिल्ली। जम्मू भारतीय सेना ने पिछले साल सीमा पर जवाबी फायरिंग और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 138 जवानों को मार गिराया। सरकार से जुड़े खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सीमा पर लगातार उकसावे की कार्रवाई करते रहने वाले पाकिस्तान के खिलाफ इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर सीमा पर 2017 में साल भर उकसावे वाली कार्रवाई जारी रही। पड़ोसी देश की सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन करती रही, जिसका भारतीय सेना ने हर बार माकूल जवाब दिया। इस दौरान कई पाकिस्तान सैनिक मारे गए और कई चौकियों को तबाह किया गया। कई बार तो ऐसी नौबत आ गई कि पाकिस्तान ने घुटने टेकते हुए सीज फायर की अपील करनी पड़ी। बीएसएफ ने सितंबर 2017 में ऑपरेशन अर्जुन चलाया, जिसके तहत विशेष रूप से पाकिस्तान के पूर्व सैनिकों, आईएसआई और पाक रेंजर्स के अधिकारियों के आवास और खेतों को निशाना बनाया, जो घुसपैठ और भारत विरोधी अभियान में मदद कर रहे थे। भारतीय कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स को फायरिंग रोकने की अपील करनी पड़ी। इसके बाद दिसंबर में भारतीय सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में 2,50,300 मीटर घुसकर अपने 4 सैनिकों की शहादत का बदला लिया था। जैसे को तैसा एक क्षण में पाकिस्तान के 3 सैनिक मारे गए और एक घायल हो गया था। हालांकि यह ऑपरेशन पिछले साल हुई सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बड़ी कार्रवाई नहीं थी, लेकिन सैन्य हलकों में इसे सिलेक्टिव टारगेटिंग का नाम दिया गया था। इसके अलावा हाल ही में बीएसएफ ने भी अपने एक जवान की शहादत का बदला 1012 पाकिस्तानी रेंजरों को मार कर लिया था। बीएसएफ के इस जवान की शहादत उनके जन्मदिन के मौके पर हुई थी। डाउनलोड करें हिंदी न्यूज ऐप और रहें हर खबर से अपडेट। वेब टाइटल आर्मी किल्ड 138 पैक आर्मी पर्सनल इन 2017 इन टैक्टिकल ऑपरेशंस एंड रिटेलिएटरी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स अलोंग लोकन जेके गोविंद एल्सोस हिंदी न्यूज फ्रॉम नव भारत टाइम्स डिल नेटवर्क गेट इंडिया न्यूज ऑल लाइव हिंदी न्यूज हेडलाइंस फ्रॉम पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। Browse Nav Bharat Times to get all latest news in Hindi.